Hello everyone, I am Rahul Mohile, Assistant Professor at NB Mehta College, Bodi. Today we will be teaching the subject of Accountancy and Financial Management, and this video will be helpful for SYBCOM regular students as well as IDOL students. So, first of all, let us see the syllabus for semester 3. So, the chapter number 1 for semester 3, subject of Accountancy and Financial Management, is Piecemeal Distribution of Cash. The second chapter is amalgamation of partnership firms. The third chapter is final accounts of partnership firms. And the fourth chapter is conversion of partnership into a limited company. These four chapters are related to your SYB Comp Semester Three. You also have a theory chapter, but basically practical questions will be expected from these four chapters as can. So today we are going to study. The chapter of piecemeal distribution of cash. So, what is piecemeal distribution? What kind of steps are followed in piecemeal distribution? Everything we are going to learn in much detail in this video. So, the learning outcomes of this are first of all, we'll be able to understand the concept of piecemeal. So, we can able to find out what do you mean by piecemeal.

अगर कोई बिजनेस बंद होता है अगर आपका बिजनेस क्लोज होता है तो जितनी भी आपको पेमेंट करनी है वो पेमेंट आप एक एक साथ एक लमसम पेमेंट आप नहीं कर सकते बिकॉज जितने आपके असेट्स है वो सारे असेट्स को आपको रियलाइज करना पड़ेगा एंड वॉट एवर रियलाइजेशन वी आर डूइंग जितना कैश हमें उस रियलाइजेशन से मिलेगा दैट अमाउंट विल बी पे पेड फॉर सेटलमेंट या दैट अमाउंट विल बी यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज

जो भी हमारे लाइबिलिटी होल्डर्स होंगे हम हमारे लाइबिलिटी होल्डर्स को इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले हैं जैसे जैसे हमारे पास रियलाइजेशन से कैश आएगा वैसे वैसे हम उनको पेमेंट करते जाएंगे ठीक है तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड पीस मिल और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश तो यहाँ पे हम जितना भी पैसा हमारे पास आने वाला है वो पैसे को हम हमारे लाइबिलिटीज जितनी हमारी लाइबिलिटीज़ ओवरडी होगी उसको हम पेमेंट करते जाएंगे और लास्ट में जो पैसा बचेगा वो हम हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे Next is the point. So, piecemeal distribution is what? Piecemeal distribution it means distribution of cash in installments, and this normally happens at the time of the dissolution. So, whenever we are closing the business or whenever we are winding up the business, this problem arises that our liabilities are overdue and we need to pay the liabilities. We have assets with us, so we will be realizing those assets, and whatever amount we are going to get from that, that amount will be paid.

वट इज दी ऑर्डर ऑफ पेमेंट हाउ द लाइबिलिटीज आर सेटल विच लाइबिलिटीज फर्स्ट तो वी विल स्टडी दैट वन बाय वन तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का पेमेंट करना है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है जैसे कि अगर हम देखें जो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है डिजोल्यूशन करते वक्त ये एक्सपेंसेस होते हैं एडवर्टाइजमेंट हो सकता है ब्रोकरेज हो सकता है कमीशन हो सकता है कोई लीगल एक्सपेंसेस हो सकता है तो हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हमारा पहला प्रायोरिटी है जब हम डिजोल्यूशन करेंगे तब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी सेटल्ड फर्स्ट तो पहला ऑर्डर ऑफ पेमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंस नेक्स्ट कम्स दी गवर्नमेंट ड्यूज तो वी नीड टू सेटल दी गवर्नमेंट ड्यूज सचैज इनकम टैक्स है जीएसटी है एनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस है वो हमें सेकेंड पेमेंट करने है द नेक्स्ट कम्स दी एम्प्लॉयज ड्यूज सचैज सैलरीज का पेमेंट वेजेस का पेमेंट एनी काइंड ऑफ पी एफ दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड का पेमेंट ये हमारे थर्ड नंबर पर आता है मतलब हम स्टेप बाय स्टेप सेटलमेंट करने वाले हैं पहले आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को पे करोगे देन विल बी पेइंग दी गवर्नमेंट ड्यूज देन विल बी पेइंग द एम्प्लॉयज ड्यूज

आएगा वो पैसे से हम हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को सेटल करेंगे विल बी सेटलिंग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फर्स्ट देन वी विल बी सेटलिंग दी इंटरनल लाइबिलिटीज और इंटरनल लाइबिलिटीज में अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तो दैट कम्स इन दी इंटरनल लाइबिलिटीज और पार्टनर्स का लोन सेटलमेंट होने के बाद फिर लास्ट में जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल को एक्सेस कैपिटल का एक स्टेटमेंट बनके जितना भी पेमेंट होगा उस बेसिस पे हम बांटेंगे और जितना पेमेंट नहीं कर सके दैट विल बी दैटिडर एज द लॉस ऑन रियलाइजेशन इफ एक्सेस अमाउंट इज पेड दैट विल बी कंसिडर एज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन सो दीज आर द स्टेप्स फॉलोड इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट ओके सो लेट अस मूव फर्दर देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल वर्सेज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लाइबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज काफ़ी सिंपल है इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसे लाइबिलिटीज जो पार्टनर से रिलेटेड है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब होता है ऐसे लाइबिलिटीज जो आउटसाइडर से रिलेटेड है सो so, पहले हमें आउटसाइडर्स का पेमेंट करना है फिर ही हमें हमारे इंटरनल लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करना है तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर दी अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स and here are the examples for external liabilities such as creditors we have bills payable bank loan any kind of outstanding expenses any income tax sales tax custom duty etc and number of examples we can take for external liabilities only simple meaning we have to remember that whatever liability we, we are going to pay to the outsiders is as external liabilities. Next point comes the internal liabilities. So internal liabilities काफी सिंपल है मैंने अभी आपको बताया कि अमाउंट ड्यू टू दार्टनर्स जैसे अगर कोई पार्टनर ने कंपनी को या फर्म को लोन दिया होगा तो दैट इज पार्टनर्स लोन सो दैट इज द इंटरनल लाइबिलिटीज एंड द पार्टनर्स कैपिटल द पार्टनर्स हैज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द कंपनी और द फर्म एंड दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन सो दैट इज द सिंपल bifurcation between the external and the internal liabilities so we have learned about internal liabilities as well as external liabilities internal liabilities are the amount due to the partners and external liabilities are the amount due to the outsiders next point we will be learning there are different methods of piecemeal distribution so we have number first as surplus oblique excess capital method so this is very important method because we need to understand the basics of how to prepare an ex excess capital statement because this method is related to the practical questions and the second method is called as maximum loss method which is not in your syllabus so we are going to learn only the first method the uh, first method is called as surplus oblique excess capital method and second is called as maximum loss method but in your SYBCOM semester 3 we are going to learn only the excess capital method excess capital method is very important and that इज ऑल्सो रिलेटेड विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ओके सो दैट इज द पॉइंट टू मैथर्स वी हैव लर्न नाउ नाउ वाइल सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू प्रीपेयर तो दो स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करने हैं जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल जिससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पार्टनर को कितना पेमेंट करना है और किस प्रायोरिटी के बेसिस पे करना है सो ऑल दिस डिटेल्स वी आर गोइंग टू लर्न

कर लेंगे तो ये बेसिक्स है हमारे पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के आई होप कि आपको ये सारे बेसिक्स पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के समझ में आए होंगे सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड विल बी सॉल्विंग वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट सेशन टू कम थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन बाय बाय टेक केयर